सर नमस्ते। नमस्ते प्रदीप भाई। सर सबसे पहले एक बार अपना नाम बताएं। मेरा नाम विहाजी वाघेला है। और क्या है सर? राजपूत हूं। अच्छा राजपूत हो। और सर अपने फार्म का क्या नाम है? मेरे फार्म का नाम है भवानी स्टड फार्म। भवानी स्टड फार्म। और ये सर पड़ता किधर है, यानी कि अगर लोकेशन की बात करें? ये लोकेशन में पड़ता है बनासकांठा में, और मेरा गांव लवाना है। लवाना, हाँ, जो उसकी तहसील लाखनी पड़ती है। लाखनी, तो लाखनी से कितना पड़ जाता है सर ये? लाखनी से ये 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर पड़ जाता है। तो सर घोड़े रखते हुए कितना टाइम हो गया आपको? मैं 3-4 साल से घोड़े रख रहा हूँ। 4 साल से? 4 साल से। तो घोड़े के अलावा भी पहले और कोई भी, कोई जैसे गाय भैंस वगैरह रखते थे? पहले गाय भैंसे रखता था बहुत, लेकिन गाय भैंसों के मामले में क्या है, वो आदमी की दिक्कत रहती थी। अच्छा। और ज्यादा इकट्ठे कर दिए, फिर उसको निकाल दिया गायों को। अच्छा। हाँ। तो गाय भैंस तो अभी भी रखते होगे? थोड़ी है घर के लिए, घर के दूध के। हाँ, घर के दूध के लिए है। ओके। तो सर अभी अगर घोड़ा घोड़ी की बात करें तो अपने पास में टोटल कितने घोड़ा घोड़ी होंगे? मेरे पास टोटल 7 जानवर है। 7 जानवर है? 7 जानवर में घोड़िया कितनी है? घोड़िया है 4। 4 घोड़िया है जी। और 2-3 बच्चे होंगे? 2-3 बच्चियां हैं। और एक अपने पास में जो सबसे मेन जो घोड़ा है वो है रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष घोड़ा है। तो आपने अभी सबसे पहले तो आपको बधाई हो, क्योंकि आपको घोड़ा लिए हुए अभी कुछ ही टाइम हुआ है। हाँ हाँ। तो सर कैसे आपको जरूरत पड़ी कि आपको एक घोड़ा लेना चाहिए? मैं ये बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जो यहाँ पर अच्छी अच्छी घोड़ियां हैं और सब राजलाइन की हैं, तो मैंने सोचा ये घोड़ा मैं खरीद लूं, क्योंकि अभी कोई ऐसा बढ़िया घोड़ा यहाँ पर नहीं था। ओके। तो मेरे दिमाग में आया कि भाई चलो मैं घोड़ियां रख रहा हूँ तो एक घोड़ा भी अच्छा ले लूँ। घोड़ा भी अच्छा ले लूँ जी। और वैसे तो वैसे भी बोला जाता है और फेमस भी है कि आपके बनासकांठा से एक से एक लाइन और एक से एक घोड़ियां निकली हुई हैं। जी जी जी। तो सर इस घोड़े का मैं बाप जानना चाहूँगा, बाप कौन है इसका? ये इस घोड़े का बाप मृत्युंजय घोड़ा है, जो पटेल फार्म में था। अच्छा, पटेल फार्म में, जो बहुत बड़े ब्रीडर हैं धर्मेंद्र पटेल जी, उनके फार्म में था। और अगर इसकी लाइन की बात करें तो सर किस लाइन का है ये? इसका दादा है सुल्तान। सुल्तान, हाँ जी। ओके। बाकी इसके 2 पैर सफेद और माथे पे पट्टा है ना? तीन पैर सफेद है और माथे पे। तीन पैर सफेद और माथे पे पट्टा है जी। और इसकी सर माँ की बात करें तो? पटेल फार्म में अभी तो नहीं है वो, अभी लेकिन उसकी माँ का नाम भी तक्षशिला नाम था। तक्षशिला, काफी पुरानी घोड़ी थी, अच्छी। ओके। हाँ। तो सर किसी ने बताया था घोड़े के बारे में जब आप लेने के लिए गए थे, या फिर पहले से ही आपको पता था कि भाई ये घोड़ा भी है? ये घोड़ा मुझे पहले से थोड़ा दिमाग में था, और एक मेरे मित्र हैं जो रोहित भाई, उन्होंने बताया कि ये घोड़ा आप बनासकांठा ले जाओ। ओके। हाँ, तो मैंने फिर इसके बारे में सोचा और फिर डील की मैंने। तो सर जैसे आप घोड़े रखते हो तो गांव में आसपास के लोगों को पता है क्या? अभी तो खास टाइम नहीं हुआ है इसलिए ज्यादा पता नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से और आप आए हमारे कस्बे में, वो इसके लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। तो सर आपके अलावा भी गांव में और कोई भी घोड़े वगैरह रखता है? हाँ रखते हैं, घोड़ियां है, घोड़ियां यहाँ पर तो घोड़ियां हैं। तो सर अगर आपके इस एरिया की बात करें, यानी बनासकांठा एरिया में जी, तो जैसे कि आपको अगर पता हो तो यानी कि लगभग कितनी क्या घोड़ियां होंगी, यानी कि कुछ संख्या? हाँ, 1000-2000? हाँ, 2000 से ऊपर ही होंगी घोड़ियां बनासकांठा में। बनासकांठा में जी। और मेरे को लगता है कि बड़े बड़े फार्म वाले लोग भी बनासकांठा से बहुत घोड़िया लेके जाते हैं, परचेज करते हैं। और आज भी बनासकांठा में घोड़ियों के रेट बहुत, यानी कि बोलूंगा मैं कि यानी कि कम है फार्मों की तुलना में। हाँ, फार्मों की तुलना में। फार्मों की तुलना में ना, क्योंकि फार्मों में तो आजकल लाखों से नीचे बात नहीं होती। हाँ, नहीं होती, सही बात। तो सर घोड़े की उम्र क्या हो गई होगी अभी? ये 7.5 साल हुआ होगा इसका। 7.5 साल? ओके। और ये अहमदाबाद पटेल फार्म में ब्रीड हुआ? पटेल फार्म में ब्रीड हुआ है। और हाइट में कितना होगा सर ये? ये 64 है। 64 है जी। तो सर ये 7 साल का है तो रिंगों में भी लगाया होगा, तो पता करा कभी रिंगों में? हाँ, ये पहले था जिसके पास, उन्होंने काफी शो जिताए हैं इस घोड़े ने। ये 700 विन किया है उसने। 700 विनर? हाँ, विनर है 700 में। ओके। 700 में सर कहाँ कहाँ पे बना है ये आपको नहीं पता होगा? ये मुझे पता, आइडिया है थोड़ा। अच्छा। जो जसरा सो है। ओके। जो तिलवाड़ा है, जोधपुर है, सारंगखेड़ा में भी सेकंड मेरे हिसाब से। यानी कि एक तरीके से चल, अगर समझे तो पूरे ऑल इंडिया में ही घुमा है। हाँ, ऑल इंडिया में घुमा है पहले, है ना? हाँ। तो सर अभी इसका यानी कि शेड्यूल क्या रहता है, सुबह से शाम तक कैसे रखते हो इसको? हाँ, ऐसे तो सुबह उसका हो जाता है
लंजिंग बंजिंग हो जाता है और उसके बाद उसको दाना पानी जो देते हैं वो दे देते हैं और पूरा दिन इसका खास ध्यान रखते हैं। ओके जी। बाकी रूम वगैरह अलग रूम है, उसका अलग रूम है, पर्सनल रूम है। ओके तो सर जब घोड़ा लेके आए तो आपके जैसे कि बच्चों ने कुछ बोला कि पापा नया घोड़ा क्यों लेके आ रहे हो? हाँ, बोले कि भाई ये पहले तो घोड़ियाँ रखते थे, घोड़ा क्यों लाया? लेकिन घोड़ा मेरे उन बच्चों को तो ज्यादा पता नहीं रहता। यहाँ बनासकांठा में क्या है सर कि ज्यादातर यहाँ राज की घोड़ियाँ हैं। राज घोड़ा था ये मेरे बगल में, यहाँ से 15 किलोमीटर। ओके। राज था तो इसके हिसाब से सब घोड़ियाँ राज की रहती थी, यानी एक ही लाइन की हो गई। एक ही लाइन की हो गई और यहाँ की जो लोकल घोड़ियाँ भी अच्छी थी, लेकिन ज्यादातर राज यहाँ पर बहुत रहा, तो राज का मतलब ब्लड बहुत है यहाँ पर, राज का ब्लड था। तो मैंने सोचा कि भाई चलो ये राज वाला तो अपना है, लेकिन ये इन ब्रीडिंग भी हो रहा था थोड़ा। ओके। बनासकांठा में तो मैंने सोचा कि भाई ये थोड़े डिफरेंट लाइन है तो इसको मैं खरीदूं और यहाँ पर सबको जो यहाँ मतलब घोड़ियाँ कवरिंग में, यानी कि आप थोड़ा सा यानी कि लाइन सुधारने की, लाइन में लोगों को ले जाना चाहते हैं। सही है। अगर सर आपके आसपास के एरिया की बात करें तो आपके आसपास के एरिया में कितनी घोड़ियाँ होंगी? मेरे आसपास के एरिया में होंगी मेरे हिसाब से 700-800 घोड़ियाँ होंगी इस एरिया में, जो 15-20 किलोमीटर के घेरावे में। हाँ। ओके जी। तो सर कभी जैसे कि पंजाब वगैरह या फिर रिंगो वगैरह में कभी घूमने के लिए गए हो? हाँ मैं गया हूँ। अच्छा, किस किस रिंग में गए हो? मैं वैसे तो यहाँ पर अभी जो हमारे यहाँ पालनपुर में जो शो होता था, अहमदाबाद में होता था, वो बाद में से पालनपुर आया, वो यहाँ हमारे जसरा बगल में पड़ता है। ओके। तो मैं ज्यादा तो इतना नहीं घुमा हूँ घोड़ों की, क्योंकि अभी तीन पर आपके आसपास के मेलों में। हाँ, मेलों में गया हूँ मैं, ये तिलवाड़ा। मेरे को लगता है इंटरव्यू भी पहली बार ही दे रहे होगे। हाँ, इंटरव्यू पहली बार दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा लग रहा है कि झिझक सी लग रही है। हाँ, झिझक सी लग रही है क्योंकि ये अपना थोड़ा विषय कम है इसका। नहीं, पर एक चीज ये नहीं कि सर देखो आप घोड़ा लेके आए हो तो लोगों को भी पता लगना चाहिए। हाँ, पता लगना चाहिए। ये तो चलो बनासकांठा में मैं पहुंच गया आपके पास में। हाँ। बाकी के आपके यहाँ के रास्ते भी क्या बहुत डिफिकल्ट है। सही बात है, आप आए उसके लिए धन्यवाद, नहीं तो यहाँ गाँव तक नहीं आता कोई, क्योंकि पहुंचना क्या थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल, पर चलो अब इस घोड़े की किस्मत में लिखा था प्रमोट होना, तो होना चाहिए इसको। बहुत बढ़िया। बाकी सर इसकी कवरिंग वगैरह चालू कर दी है क्या? हाँ, कवरिंग चालू कर दी है मैंने। ओके। और फीस क्या रखी है इसकी सर? अभी यहाँ लोकल में तो क्या है कि फीस ज्यादा रखेंगे तो थोड़े लोग क्या है यहाँ पर थोड़े मतलब किसान लोग है। हाँ, हाँ। 21 बाकी एक चीज ये भी है ना सर कि अगर आपके आसपास के लोगों घोड़ी कवर कराएंगे तो थोड़ा सा लाइन में चेंज आएगा, तो रिजल्ट आएंगे तो फिर लोग अपने आप ही वही। क्योंकि पैसे तो मेरे को लगता है पहले भी इसके बहुत सारे रिजल्ट आए होंगे। हाँ, रिजल्ट उनके बारे में आपको पता है? हाँ, रिजल्ट को आए हैं, अच्छे रिजल्ट है, लेकिन उन्होंने ज्यादा वो प्रमोट नहीं किया था और कवरिंग भी नहीं दी थी ज्यादा, कवरिंग भी नहीं दी थी। उन्होंने कवरिंग नहीं दी थी इसलिए मैंने थोड़ा सा आगे ले लो। बाकी घोड़ा है, मैं स्वभाव में भी मेरे को लगता है कि नॉर्मल है। हाँ, नॉर्मल स्वभाव, ज्यादा उताता ही नहीं है। और मैं भी नया आदमी हूँ तो इस स्वभाव में शांत है तो ठीक है। अच्छा, अच्छा। अगर उताता ही होता तो थोड़ा टेंशन बढ़ जाती है ना। हाँ, बढ़ जाती है। सही नहीं, घोड़ा अच्छा है। मक्खियां बहुत है आपके यहाँ? मक्खियां, हाँ, ये अभी वो बारिश का मौसम तो है। सर बाकी आपके बनासकांठा में क्या प्रॉब्लम आती है जब घोड़ा पालते हैं, तो यानी कि किस चीज की कमी का एहसास होता है आपको? बनासकांठा में वैसे तो खास तो कमी कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ी किसान लोग हैं, थोड़ी कवरिंग फीस में थोड़ा रहता है। अच्छा। हाँ, तो फिर हम 19-20 कर लेते हैं सेट। और डॉक्टर वगैरह होगा? डॉक्टर का प्रॉब्लम बहुत है जी। डॉक्टर का? हाँ, डॉक्टर का प्रॉब्लम है यहाँ पर, हमारे कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है सर। अच्छा। तो उस हिसाब से काफी जानवर यहाँ पर मतलब डॉक्टर के ना होने से डेथ हुई है काफी घोड़ों की। यानी डॉक्टर की वजह? हाँ, डॉक्टर की वजह, क्योंकि डॉक्टर यहाँ पर कोई ऐसा डॉक्टर ही नहीं है। फिर कभी हारी बीमारी हो जाती है तो क्या करते हो? तो फिर दूर से अगर कोई कांटेक्ट हो तो जल्द इमरजेंसी में होता है तो फिर दिक्कत पड़ती है, लोकल डॉक्टर लाना पड़ता है। अच्छा। और लोकल डॉक्टर को ज्यादा मालूम नहीं रहता। लोकल डॉक्टर घोड़ों का नहीं होगा, यानी कि एनिमल का होगा? हाँ, एनिमल का हो वो करता है थोड़ी सेवा, लेकिन ज्यादा उसका रिजल्ट नहीं दे पाता वो। बाकी आपने इसका नाम रुद्राक्ष रखा है। हाँ, रुद्राक्ष। और हम उम्मीद करेंगे कि आपके पास में ये अच्छे रिजल्ट दे और बनासकांठा का और आपका दोनों का नाम रोशन करे। धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर। ओके।